Pakistan's economic crisis is worsening. Islamabad to implement economic reforms. सख्त फैसलों के साथ पाकिस्तान को मुश्किल सवालों के जवाब भी देना पड़ेंगे. Pakistan's economy has always been in flux. IMF का महंगाई के हिसाब से monetary policy में सख्ती के लिए दबाव है. Default or debt restructuring is an increasingly real possibility. This is another blow to Pakistan. On the brink of an economic meltdown, a country of 220 million struggles with sky-high prices. Islamabad is rushing to expedite the passage of fiscal measures. Kya Pakistan ki maishat ke diwaliya hone ka khatra hai? पाकिस्तान अपनी आज़ादी के 75 साल के बाद भी IMF से आज़ादी हासिल नहीं कर सका है. मुआशी तौर पर हम हमेशा से एक नाजुक मोड़ पर खड़े हैं. तकरीबन हर 2.5 से 3 साल के बाद हम IMF के दर पर खड़े होते हैं. अब तक मजमूई तौर पर हम 23 मरतबा IMF के रिहैबिलिटेशन सेंटर में जा चुके हैं, जो कि हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है. हमारी मुआशी तरक्की, हमारी पैदावारी सलाहियत, बेरोजगारी, तालीमी निज़ाम, रिसर्च और डेवलपमेंट, हमारे शहर, सिविल सर्विस और ब्यूरोक्रेसी का निज़ाम, हमारे रेगुलेटरी इदारे, कारोबारी सलाहियत और मवाक़े, ये तमाम आशारिये पहम तनज़ली का शिकार रहे हैं. पाकिस्तान की मईशत किसी एक शख्स या इदारे की वजह से इस बुरी हालत में नहीं पहुंची. ये हम सब की मजमूई नाअहली और गैर संजीदगी की वजह से आज इस नहज पर पहुंची है. पाइड कौमी थिंक टैंक होने के नाते हमेशा से इन तमाम मसाइल पर बात करता रहा है. पाइड पिछले 6 दहाइयों से मईशत, तालीम, बेरोजगारी, पैदावारी सलाहियत, नौजवानों के मसाइल, शहरी बेहंगमी और इसके अलावा मुल्की और गैर मुल्की सतह पर डिबेट्स, वेबिनार्स, सेमिनार्स और कॉन्फ्रेंसेस मुनक्किद करवाता रहा है. इकॉन फेस्ट पाइड, रास्ता और PSDE की कोशिशों का समर है. इकॉन फेस्ट पाकिस्तान में अपनी नौईयत की पहली मुआशी बैठक होगी कि जिसमें इलाकाई और कौमी सतह समेत इदारा जाती और इनफरादी सतह पर भी मईशत को जांचा जाएगा. इकॉन फेस्ट 2 दिनों में मुख्तलिफ डिबेट्स, सेशंस, डॉक्यूमेंट्रीज और एग्जिबिशंस के जरिए मुल्की मुआशी मसाइल को बेहतरीन हल के साथ उजागर करेगा. हम पाइड में ये चाहते हैं कि कौमी कन्वर्सेशन हो. मेरी ये ड्रीम रही है कि कौमी कन्वर्सेशन हो. अनफॉर्चुनेटली अभी तक नहीं हुई. बहुत तहकीक भी की है हमने कि कौमी कन्वर्सेशन शुरू करें, एक कौमी डिबेट करें. मसलों हमारे मसले हैं कि हमारा मुल्क तरक्की क्यों नहीं करता, हमारी यंग पॉपुलेशन है उनमें से क्यों नहीं कोई बिल गेट्स, कोई एलन मस्क निकलता, हमारे पास बड़ी बड़ी कंपनियाँ क्यों नहीं है जैसी बाकी मुल्कों में हैं, हमारी एक्सपोर्ट्स क्यों नहीं वो हैं जो होनी चाहिए 230 मिलियन मुल्क की. हम ये कोशिश कर रहे हैं इकॉन फेस्ट करके आपके साथ तबादला ख्याल करें, आपको सबसे अच्छे मुफक्किर पाकिस्तान के और बाहर के भी पेश करें, आपको ऐसे आइडियाज़ पेश करें जो आपको जगाएं और कहें कि हाँ इस पे हमें बात करनी चाहिए. सब यूनिवर्सिटीज़ का एक नेटवर्क बनाएं. दुनिया पॉलिसी कम्युनिटी से चलती है, नेटवर्क से चलती है. हम चाह रहे हैं कि एक नेटवर्क बने मुफक्करों का, एक नेटवर्क बने कौम का, एक नेटवर्क बने हर चीज़ का, कि हम एक कम्युनिटी की तरह, एक कौम की तरह आपस में एक दूसरे से बात कर सकें बगैर लड़े और इश्यूज को समझ सकें और उन इश्यूज के थ्रू अपनी कौम की तरक्की के रास्ते निकाल सकें. क्या ये मुमकिन नहीं है? क्या हम ये सोच नहीं सकते कि हमारे मुल्क में बड़ी बड़ी कंपनी क्यों नहीं बनती? क्या हम सोच नहीं सकते कि हमारे मुल्क में दरियाफ्त क्यों नहीं होती? क्या हम सोच नहीं सकते कि हमारी यूनिवर्सिटीज माशाल्लाह दुनिया की यूनिवर्सिटीज नहीं बन सकती, रिसर्च नहीं ऐसी हो सकती जो दुनिया अशश करे? क्या हम नहीं सोच सकते कि हमारे लोग जो हैं वो दुनिया में इतनी एक्सपोर्ट करेंगे, मेड इन पाकिस्तान हर जगह नज़र आए? क्या हम ये नहीं सोच सकते कि हमारे रुपी की स्ट्रेंथ ऐसी हो कि हम माशाल्लाह दुनिया चाहे कि हमारे रुपी इकट्ठा करें? क्या हम सिर्फ यही सोच सकते हैं कि हम रुपी बेच के डॉलर खरीदें? क्या हमारी पॉलिसी मेकिंग ऐसी नहीं हो सकती कि दुनिया कहे कि पाकिस्तान को देखो, पाकिस्तान से सीखो,
हम सारा वक्त कहते रहते हैं कोरिया से सीखो, चाइना से सीखो, क्या पाकिस्तान से हम यही सीख सकते हैं कि हम कैसे जवाल ला सकते हैं? हमें तरक्की की तरफ जाना है, हम इकट्ठे बैठ के बात करेंगे, इकट्ठे बैठ के सोचेंगे, एक दूसरे का काम पढ़ेंगे, एक दूसरे की चीज़ें सुनेंगे, तो शायद तरक्की कर सकते हैं। वरना अफसोस है कि हम भीख ही मांगते रहेंगे।